मैं तो हमेशा एक ही बात कहूँ, आज तक कथा के माध्यम से यही कहा है और यही प्रयास है आप तक ये बात पहुँचाने का कि ठीक है, आप संसार के कार्य में लगे रहते हो, आपका परिवार भी है, बच्चे भी हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि सब कुछ छोड़ के चलो वृंदावन, तो चलोगे थोड़ी, मुझे भी पता है। तो ऐसी बात कहूँ ही क्यों जो आप कर नहीं सकते। मैं आपसे कहूँ सब त्याग दो और बस एक ही माला लेके बस दिन रात भजन करो, तो जब मैं व्यक्ति वो बात स्वयं तब करता हो तब वो बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती। शायद आप में कोई महापुरुष हो तो अलग बात है, वरना अगर साधारण जगत की बात करें तो ये कार्य करना कि दिन रात बस भजन में लगे रहे बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मन में बिठा लीजिए और वो बात बस इतनी सी है कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी, देखो अपना बोलने में भी उनको कितना जोर पड़ रहा है आपको, कैसे होंगे ठाकुर जी आपके। दिल ठोक करके जब तक नहीं कहोगे ना कि ठाकुर जी मेरे हैं, तब तक भगवान आप पर रीझने वाले नहीं। कोई ज्ञान नहीं हो, कोई साधन नहीं जानते हम, कोई भागवत के श्लोक हमें नहीं आते, कोई रामचरितमानस की चौपाई हमें नहीं आती, बस एक चीज पता है, जैसे भी हैं, भले हैं चाहे बुरे हैं, तेरे हैं और तू मेरा है। इतना सा रिश्ता बस बनाना है, इससे ना आगे कुछ जानना है, इससे ना पीछे कुछ जानना। उनसे अपनापन हो गया, संबंध हो गया, प्रेम हो गया। होगा कैसे? आज आरंभ में ही आप श्री ने कहा कि जब संत मिलन हो जाए, जब किसी संत का मिलन हो जाए, जब किसी सत्पुरुष महत्पुरुष का मिलन हो जाए और वो आपको देख करके रीझ जाए, एक क्षण लगेगा उसको आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने। गुरु का इतना ही तो काम होता है। गुरु का अर्थ कोई ये थोड़ी है कि आपसे कोई उसको दान दक्षिणा मिलती रहे, कोई पद प्रतिष्ठा मिलती रहे, ये काम थोड़ी होता है गुरु का। अगर ऐसा कोई करता हो तो वो गुरु हो नहीं सकता। एक शिष्य दीक्षा लेने गुरु के पास आया, तो वो तो सत्संग सुनने गया था, लेकिन वो गुरु जी बोले हमको गुरु बना ले, दीक्षा ले ले, समझ तू हमसे दीक्षा लेगा तो स्वर्ग तेरा पक्का। मतलब हमसे जो दीक्षा लेता है वो स्वर्ग तो जाने ही जाना पक्का। तो उसने कहा ठीक है जी दे दीजिए। अब उसने दीक्षा दी तो जो जाने लगा बोला बेटा दक्षिणा। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरी तरफ से दक्षिणा में पूरा लेस्टर आपका। तो गुरुजी बोले कि ऐसे कैसे लेस्टर, क्या तेरे बाप का है? तो चेला बोला स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है? जब तुम स्वर्ग की इतनी ठोके गारंटी ले सकते हो, कभी देखा है स्वर्ग जा करके? भागवत सुनने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा ये भी भागवत कोई गारंटी नहीं देती है। कौन कहता है भागवत सुन के स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है? कोई गया है जो आके हमें बताया हो कि हमने भागवत सुनने स्वर्ग प्राप्ति हो गई? कथा का फल स्वर्ग नहीं है, कथा का फल कि भगवान से प्रेम हो जाना, तब तो समझिए कथा ने आप पर कृपा की है। तो गुरु का अर्थ, संत का अर्थ कोई आपसे विषय वस्तु की मांग नहीं है। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूं, आप जितने भी लोग यहाँ हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके भारत से दूर रहने के बाद भी आपको इतने संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन एक बात बड़ी सावधानी की है कि संत मतलब एक महापुरुष जो हमसे भक्ति में आगे निकल चुके हैं। लेकिन संत भगवान भी कह रहे भवत तनुना, मेरा ही स्वरूप संत है, मुझ में और मेरे संतों में कोई भेद नहीं। लेकिन कोई संत कभी आपसे नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं या मेरी भगवान की जैसी पूजा करूं। अगर वो कहता है तो इसका मतलब वो एक नंबर का ढोंगी, माफ करिएगा मुझे गलत बात लगे तो। गुरु कौन जो ये कहे कि मैं भगवान का दास हूं,
तू मेरे चरण में आ, मैं तुझे भी भगवान का दास बना दूँ।